हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकेश है और आज की इस वीडियो में मैंने एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताया है जिसकी मदद से आपके जो भी पर्सनल फोटो वीडियो फिर फोल्डर वगैरह है उन आप हाइड कर सकते हैं। और ये जो ट्रिक है मेरी पर्सनल ट्रिक है, मैंने आज से पहले इंटरनेट पे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें कि इस ट्रिक का यूज किया गया है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की यूज से एक फोल्डर में लॉक लगाना सिखाया था। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हाइड करना सिखाऊंगा ना कि लॉक करना। और मैं 99% श्योर हूँ कि आपको नहीं पता होगा कि इस ट्रिक से आप किसी भी फोल्डर को कैसे हाइड कर सकते हैं। सो चलिए डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। सो मैं यहाँ पर आपको दो टेक्निक बताऊंगा। सो जो पहली टेक्निक है, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। न्यू फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करने के बाद आपके कंप्यूटर में अगर मान लो कुछ MP3 सॉन्ग्स है, सो आपको सबसे पहले उन्हें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो मेरे कंप्यूटर में यहाँ पर कुछ MP3 सॉन्ग्स हैं, उन्हें मैं सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो ये कुछ सॉन्ग्स हैं, सो मैं जैसे यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाया था, इसके अंदर यहाँ पर कुछ सॉन्ग्स हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। और यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पर जाना है। प्रॉपर्टीज़ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ का एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ से सिंपली चेंज आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जैसे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर एक MP3 का जो लोगो है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से भी ओके कर देना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगभग सेम सा हो गया है। इसके बाद आप कोई भी गाना यहाँ पर कॉपी कर लें। सो मैं यहाँ पर जैसे ये वाला गाना यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। इसको सिंपली आपको इसका जो टेक्स्ट है उसे कॉपी कर लेना है और इसके बाद सिंपली यहाँ पर जाके इसको रिनेम कर देना है। सो आप देख सकते हैं इसके बाद ये जो है ये लगभग सेम ही लग रहा है। अब मान लो वो बंदा डायरेक्ट आपके फोल्डर में यहाँ पर जाता है, सो वो लगभग यहाँ पर आपको सेम ही मिलेगा। उसको इतना आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पर कोई आपने फोल्डर बना रखा है। अब इस फोल्डर को आप कहीं पर भी आपके अपने पसंदीदा ड्राइव में आप यहाँ पर रख सकते हैं। सो जैसे मेरे पास यहाँ पर सॉन्ग्स का ये एक फोल्डर है, इसके अंदर मान लो आप इस वाले फोल्डर को जैसे आप यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सो जिस लोकेशन पर हमने उस फोल्डर को सेंड किया है सबसे पहले हमें उसे ओपन कर लेना है। सो जैसे हम यहाँ पर जाते हैं दिस पीसी, इसके बाद इस ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पर सॉन्ग्स, इसके बाद वो कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे ये कुछ सॉन्ग्स है, उसके बाद न्यू फोल्डर में और यहाँ पर भी कुछ नए सॉन्ग्स पड़े हैं। तो सो सिंपली अगर मान लो आपके सिस्टम में कोई भी घुसता है सो वो डायरेक्ट यहाँ से बैक कर लेगा। लेकिन ये जो है ये एक फोल्डर है। सो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फोल्डर है। इसके अंदर आप कुछ भी जो भी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट है, फोटो वीडियो कुछ भी है, उसे आप यहाँ से सिंपली पेस्ट कर सकते हैं। सो जैसे मैं यहाँ पर अभी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, सो इसको मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ इसमें। सो मैंने यहाँ पर प्राइवेट लिखा है और इसको मैं यहाँ से सिंपली सेव कर देता हूँ। सो अब देखते हैं हम ये कैसा लगता है। सो जैसे हम दिस पीसी में गए, इसके बाद ये वर्क स्टेशन, इसके बाद हमने उसे रखा था यहाँ सॉन्ग्स में। सॉन्ग्स में जाने के बाद ये अगर मान लो कोई भी आपके सिस्टम में घुसता है उसको लगेगा कि ये सॉन्ग्स हैं। तो जैसे न्यू फोल्डर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये एक फोल्डर है। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये फोल्डर है। ये लगभग सेम ही लग रहा है जो कि इसका आइकन है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं सो आप देख सकते हैं आपका वो जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर सेव है और बाहर से देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये एक फोल्डर है। आई होप आपको ये जो मेरी ट्रिक है ये पसंद आई होगी, क्योंकि इसे मैं पर्सनली खुद ही यूज़ करता हूँ अपने किसी भी प्राइवेट फोटो वीडियो या फिर किसी भी चीज़ को हाइड करने के लिए। और यहाँ पर देखते हैं सेकेंड ट्रिक, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक और ट्रिक है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर भी एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर कोई भी एक ऐसा नेम टाइप करिए जो कि ऐसा लगे कि कंप्यूटर का ये कोई करप्ट फाइल है, जैसे कि फाइल एरर या फिर ऑटो रन या फिर कुछ भी ऐसा नेम जो कि देखने में लगे कि कंप्यूटर का अपना ही ये कुछ मिसिंग सॉफ्टवेयर है। सो जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर रिनेम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसका नाम रखता हूँ ऑटो रन। ऑटो रन लिखने के बाद यहाँ से सिंपली आपको जाना है राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ पर जाने के बाद आपको यहाँ से कस्टमाइज़ के बाद चेंज आइकन, और यहाँ पर आपको कोई भी एक ऐसा आइकन लेना है जो देखने में लगे कि जो फाइल है करप्ट है। सो मैं यहाँ पर ये जो आइकन है इसको यहाँ पर यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पर ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह भी ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मिसिंग फाइल है, लेकिन ये एक फोल्डर है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी जगह पर आप अपने ड्राइव वगैरह में आप इसको रख सकते हैं। ये बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मिसिंग फाइल वगैरह हो, कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते कि ये आपने कोई एक फोल्डर क्रिएट किया है। यहाँ पर आप कोई भी अपने जो भी आपके पर्सनल फोटो वीडियो फिर फाइल वगैरह है उसे आप यहाँ से सिंपली पेस्ट कर दीजिए, और ये दूर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मिसिंग फाइल है। आई होप ये जो सेकेंड ट्रिक है ये भी आपको पसंद आई होगी। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखी थी जिसमें कि मैंने फोल्डर को लॉक लगाना सिखाया था। सो अगर आपको वीडियो देखनी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप एंड स्क्रीन से भी देख सकते हैं।